नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई शनिवार रात 8 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। पाली जिले के रोहट कस्बे में वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किराना व्यवसायी के यहां से लाखों रुपए का जर्दा, पान मसाला व सिगरेट बरामद कर गोदाम में माल भरकर गोदाम को सील कर दिया है। रोहट कस्बे में मुख्य बाजार रोड पर गली में राजू जैन के किराने की दुकान पर वाणिज्यिक कर विभाग पाली की टीम ने छापा मारा। दुकान में रखा तंबाकू व दस्तावेजों को जब्त कर टीम ने विभिन्न जगहों पर 125 कट्टों में रखा जर्दा, पान मसाला, सिगरेट जब्त कर माल गोदाम में रख दिया, जिसके बाद में सील कर दिया गया। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोर रात के समय बाइक सहित लाखों का सामान ले गए। चोरी की वारदात मानसरोवर थाने के कृष्णा नगर में किराए में रहने वाले प्रांशुल खंडेलवाल के मकान में हुई। झुंझुनू के मंडावा में एक शर्मसार करने की घटना उजागर हुई है। एक युवती ने 3 जनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला मंडावा थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार युवती का रामगढ़ क्षेत्र के पलास निवासी राकेश के साथ 12 माह पूर्व ही सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। आरोपी राकेश कुमार ने युवती को फोन कर घर से बाहर बुलाया और गाड़ी में डालकर फतेहपुर ले गया, जहां नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया। वहीं गाड़ी में आरोपी का सगा छोटा भाई व दूसरा ममेरा भाई ने भी बारी बारी से दुष्कर्म किया और उस घटना की वीडियो भी बना ली। जयपुर जिले के मुरलीपुर थाना क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पाली जिले के बाली सांदरी थाना अंतर्गत सुथारों का गुड़ा के पास एक कार पलटने से कार चालक नारायण सिंह की मौत हो गई। वहीं कार चालक की पत्नी और 2 छोटे बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के देवड़ा गुड़ा सेमड निवासी कार चालक 33 साल का नारायण सिंह अपनी 30 वर्षीय पत्नी मनीषा कंवर, 30 वर्षीय पुत्र ऋषिराज और 6 वर्षीय पुत्री अनुराधा के साथ अपने ससुराल नडोल के पास करणवा जा रहे थे। अचानक कार का संतुलन बिगड़ने से कार किनारे सड़क किनारे बने पुलिया से नीचे पलट गई। बीकानेर के गजनेर पुलिस थाना क्षेत्र के खारी फांटे के सड़क हादसे में एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खारी फांटे के पास हाईवे पर ट्रक खड़ा था, जिसके पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की मौत हो गई और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक कुंदन है, जो कि छत्तरगढ़ निवासी बताया जा रहा है। कोविड-19 में सीएम रिलीफ फंड के नाम से एकत्रित की गई राशि को अभी तक जमा नहीं कराए जाने का मामला बस्ती उपखंड क्षेत्र में सामने आया है। आरोप है कि भामाशाहों से ली गई 10 लाख राशि के चेक अभी एक माह के बाद भी जयपुर बस्ती के एसडीएम की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, बस्ती उपखंड में 85 लोगों से 32 लाख रुपए की राशि ली गई है। सभी को बस्ती उपखंड सील लगी रसीद दी गई। जांच में एसडीएम और तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कहा है। पिछले 2 माह से जारी लॉकडाउन में प्रतिबंधों के नजरिए से विभिन्न जोनों में बंटे प्रदेश में जून में संभवतः 2 ही जोन होंगे, पहला कर्फ्यू और दूसरा नॉन कर्फ्यू। सीआईआई और रिको की ओर से आयोजित पोस्ट कोविड इकोनॉमी एंड वे फॉरवर्ड विषयक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएसडीबी गुप्ता ने कहा कि विभिन्न तरीके के विभाजन संभवतः जनता के समझ में कम आते हैं, इसलिए जून में संभवतः अब कर्फ्यू और दूसरा नॉन कर्फ्यू 2 ही तरीके के क्षेत्र हो सकते हैं। अलवर में तहसील के सामने एक ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार एक बुजुर्ग किशन लाल की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक राहुल पंचाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे खैराती लाल ने ट्रॉला चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ट्रॉला की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि युवक राहुल पंचाल के दोनों पैर कट गए। पाली जिले के जतारण कस्बे के मगरा क्षेत्र के कोट किराना गांव में पुलिस ने युवकों को बर्थडे पार्टी करने से रोका तो युवकों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। युवक नशे की हालत में थे, जिसके बाद सेंदरा पुलिस ने कोट किराना निवासी शेर सिंह, हरि सिंह, आशु सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह लाल समेत 8-10 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और लॉकडाउन में जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव उदाका के पास स्थित गांव नगला कुलवाना में अचानक
हाई टेंशन लाइन की तार टूटकर गिरने के बाद ग्रामीणों के ईंधन और लकड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जयपुर जिले के चोमू कस्बे के विश्वकर्मा थाना इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। जानकारी के अनुसार रोड नंबर 9 पर स्थित बोरे और प्लास्टिक के कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के कारण हुए नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार बकानी थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। एक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बकानी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राशन कार्ड के अलावा ऑनलाइन जुड़े अधिक यूनिट के गेहूं को खुर्द बुर्द करने का खेल चल रहा है। पिछले दिनों खाद्य विभाग के अधिकारियों को यह खेल पकड़ में आया तो वे भी चकित रह गए। अब विभाग ने 4 लाख राशन कार्डों को अपने रडार पर ले लिया है। इन राशन कार्डों में ऑनलाइन तरीके से 3 से अधिक यूनिट जोड़ी गई है। अब विभाग इन सभी राशन कार्डों की जांच करेगा। जांच शुरू होते ही कई अधिकारियों की नींद उड़ गई है। अब पुलिस के साथ नगर निकाय भी लॉकडाउन की उल्लंघना पर जुर्माना राशि वसूल सकेंगे। राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। अब निकाय के रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.